चिल्ला जवान पाइप तो खींचे फिर उन्हें निकाल ले बिना पानी भरे भी सांस ले चले वो बस कटिन गई जे नाला में थोड़ी गई जे बाहर थोड़ी निकली जे बंद करते बंद कर झूठ वालो फिर थोड़ा निकल करो कितना ऐसी जगह थोड़ी दे जाती सारी मिर्ची मर जाती आप बोले तो पानी करोगे अरे यार जेब देने में तमाशा करे वो बोल वो बोल जते हाथ कर सुबह से ये हमारा दूसरा सांप है और ये एक वाटर स्नेक है चेकरकट भी बोलते हैं इसको। ये एक नाली में ही था लेकिन ये एक मकान के नाले में था। अक्सर लोग सांपों को देख के डर जाते हैं चाहे वो जहरीला हो चाहे नहीं हो और हमारे पास आ जाता है कॉल और हम इसको वहाँ से रेस्क्यू करते हैं जंगल में कहीं छोड़ देते हैं। तो अब क्या जंगल में छोड़ ही देते हैं तो आइए हमारे साथ वीडियो में इसको यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है तो नाले में कई जगह पानी भी भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों काफ़ी सुंदर और बड़ा सांप है देख सकते हैं आप कितना खतरनाक है लेकिन ये थोड़ा गलत दिशा में जा रहा है और ये गर्दन उठा के चलता है। इसकी विशेषता है ये हमलावर मुद्रा में बना होता है और डराने का काम करता रहता है। आप देख सकते हैं ये कितना खतरनाक अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहा है ताकि हम इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। इसके लिए अपने आप को ये लंबा चौड़ा और फैला के दिखाता है ताकि हम इस पर कुछ भी ना करें। आप देख सकते हैं ये कितनी तेज तरीके से अपने गर्दन को तेज तान के खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुझे छोड़ दिया जाए वरना मैं आपको काट लूँगा। देखिए किस तरीके का सांप है ये। इसको वाटर स्नैक भी कहते हैं और चेकर कैट भी कहते हैं। इसकी डिज़ाइन चेकदार डिज़ाइन किसी कपड़े जैसी है और ये अपनी गर्दन को अक्सर उठा के ही चलता है क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो अपने सर और मुँह को हमेशा पानी से बाहर लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं चला था।
चलो। ये सांप ज़्यादा फुर्तीले तो नहीं होते, लेकिन कई बार ये आक्रामक जरूर होते हैं। ठीक है, हमारा काम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचे। इन जीवों के लिए हम और भी बेटर काम कर सकें, इसके लिए पब्लिक को हमारा वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब और ज़्यादातर लाइक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये इन जीवों के लिए रेगुलर इसी तरीके से काम करते रहते हैं। करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।